अकोला शहर के गंगानगर परिसर के कायनात कॉटेज के सामने बनाए गए स्टार सेलिब्रेशन के हॉल का उद्घाटन दीपक चौक के गंगाधर प्लॉट स्थित मस्जिद ए राबिया का सालाना जलसा से हुआ। इस मौके पर मकतब मस्जिद ए राबिया में धार्मिक शिक्षा हासिल करने वाले बच्चों ने धार्मिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों की वाहवाही बटोरने में कामयाबी हासिल की है। अलहाज मोहम्मद कासम की मुख्य उपस्थिति में हुई इस जलसे की अध्यक्षता हाफिज नसीर उद्दीन साहब ने की। इस अवसर पर मौलवी मोहम्मद नासिब, हाफिज मोहम्मद नदीम, सेवानिवृत्त रेल अधिकारी मोहम्मद अब्दुल मुश्ताक के अलावा मस्जिद राबिया के इमाम व खतेकारी मोहम्मद इरफान साहब कासमी मंच पर उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत कुरानी आयत से हुई। हाफिज नसीरुद्दीन साहब ने अपनी अदृश्य भाषण में जलसे को संबोधित करते हुए कहा कि मकतब में जो बच्चों को सिखाया और याद कराया गया है, सभी की कोशिश होनी चाहिए कि बच्चे उन्हीं बातों पर अमल करते हुए एक अच्छे नागरिक बने। संचालन मोहम्मद मोबिन शहजाद और आभार प्रदर्शन मोहम्मद जावेद मोहम्मद कासम ने किया। इस जलसे को कामयाब करने के लिए डॉक्टर इसहाक राही साहब के मार्गदर्शन में अधिवक्ता मोहम्मद परवेज मुजाहिद, डॉक्टर रिजवान परवेज, एम ए आतिल, अलहाज वाजिद मंसूरी, मोहम्मद कासिद मोहम्मद कासम, मोहम्मद जावेद मोहम्मद कासम, मोहम्मद साजिद मोहम्मद कासम, मोहम्मद सलीम मोहम्मद कासम, पत्रकार इमरान खान, वसीम इंजीनियर सैयद अयाज, डॉक्टर आसिफ हलारी, अनिस हलारी, आसिफ खान, मोहम्मद आरिफ ने परिश्रम लिया। एनबीसी न्यूज के लिए अकोला से असगर खान की रिपोर्ट। ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, जो नागपुर का पहला और एकमात्र NABH द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल है। देश के पहले 50 अस्पतालों में से NABH द्वारा पुनः प्रमाणित ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल है। गत 25 से अधिक सालों से मध्य भारत का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में यह अस्पताल प्रसिद्ध है। सभी कैशलेस इंश्योरेंस सेवाएं, साथ ही सभी प्रकार की कॉर्पोरेट सेवाएं भी उपलब्ध है। इस अस्पताल में महाराष्ट्र शासन की महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत क्रिटिकल सर्जरी का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। इसी प्रकार से हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, ट्रॉमा, बर्न केसेस, कार्डियोलॉजी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, पेडियाट्रिक सर्जरीज, यूरोलॉजी जैसे और भी क्रिटिकल केयर यूनिट है। इसके अलावा यह अस्पताल रेडियोलॉजी, एम्बुलेंस, फार्मेसी, आपातकालीन सेवाएं भी 24/7 प्रदान करता है।